हेलो एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कई दिनों के इंतजार के बाद आज यूसेट का जो पेपर है वो आपके हर सेंटर में हो गया है। और मेरे पास भी यूसेट का पेपर आया और एक फर्स्ट कमेंट जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो यूसेट का पेपर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूसेट का पेपर इतने कम लेवल का पूछा गया है। और ये बहुत ही ज्यादा, जो अनएक्सपेक्टेडली इजी कहा जा सकता उतना इजी है। और सारे लोग जो लिटरेचर से जुड़े हैं वो जो सिंपल क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस को वो करते ही करते हैं, वो क्वेश्चन आराम से वहां आए हुए हैं। और कुछ अगर थ्योरीज के क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इजी है। मुझे लगता है कि सभी का अच्छा हुआ होगा और इसमें हाई मेरिट जाने के पूरे चांसेस हैं। तो हो सकता है कि आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, काफी इजी पेपर था। तो मैं आपके सामने यूसेट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो विदाउट एन वेस्टिंग एनी टाइम चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने पेपर शेयर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और क्वेश्चन देखने में आसानी हो। ये मैंने उससे पीडीएफ बनाई है पेपर से। तो फटाफट इसको करते हैं और देखते जाते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन हैं, और विदाउट वेस्टिंग टाइम जिससे आप भी जल्दी जल्दी इनको देखें। और जहां पर कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता होगा आगे के लिए मैं कुछ बता दूंगा। तो ये है, मैच द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कैरेक्टर विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। तो ये जो है, इसका ऑप्शन जो है आपका सही है वो सी है। और सी ऑप्शन में अगर देखें, फर्स्ट का बी है तो ये यहाँ लगेगा, और सेकंड का ए है। ये सब आप जानते हैं, बहुत आसान है। शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है जो उससे फ्लैश की डिमांड करता है। वायला को कौन नहीं जानता 12th Night में। यागो इतना बड़ा जो विलेन है उसको हर कोई जानता है। अब आते हैं, हु रोट द प्ले लॉन्ग डे जर्नी इन टू नाइट, अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क दैट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो ये भी बहुत आसान है, और ये सेक जो जिन्होंने भी अगर अमेरिकन लिटरेचर सही से पढ़ा है वो जानते हैं, यूजीन ओ नील की अपनी कहानी बहुत जबरदस्त रही है। उनके माँ बाप हमेशा प्ले राइट जो जर्नी में ही रहते थे, और इनका जन्म भी एक जर्नी के दौरान ही हुआ था। तो ये बेसिकली लॉन्ग डे जर्नी जो है इनटू नाइट, ये बहुत जबरदस्त वर्क है जो ऑटोबायोग्राफिकल है, 4 एक्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्थमसली पब्लिश होता है, पोस्थमसली पब्लिश। और ये जब पब्लिश हुआ था तो वो सन था 1956। और ये अगर आप यूजीन ओ नील की बात करें तो ये मैग्नम ओपस कहा जाता है उसका मेजर वर्क। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कूट कूट के भरे हुए हैं, ये समझ लीजिए। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मिल्टन का कॉमस, ये बिना सोचे भी कोई आराम से इसका आंसर दे सकता है कि ये जो मिल्टन का कॉमस है ये आपको ले जाता है एक मास्क की ओर। ठीक है, और ये बहुत आसान है, ये जो भी पढ़ता है कॉमर्स वो उस हिसाब से पढ़ता है। फोर्थ का आपका जो है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर ओफेलिया अपियर। ये भी जिसने हेमलेट को पढ़ा होगा वो आसानी से बोल देगा कि हु इज ओफेलिया, और ओफेलिया इतना मेजर कैरेक्टर है हेमलेट के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं पांचवे क्वेश्चन में। मैं इसे जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी भी है, और ऊपर से जो है पांच जो है ये बहुत टाइम वेस्ट करने लायक पेपर भी नहीं है। फिफ्थ का जो है, बर्नार्ड शॉ ड्रू हिज आइडियाज फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन फ्रॉम द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ। तो अनडाउटेडली ये जो है नीज़े की है, और नीज़े की उबरमैंस जो है एक थ्योरी थी, और वो कहती थी कि इसकी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, UBERMENSCH। इस पे नीज़े ने कहा था कि आई बिलीव इन दिस, और वो था अ गोल फॉर, इसका मतलब है अ गोल फॉर ह्यूमैनिटी टू सेट फॉर इट सेल्फ।
ये जो है बेसिकली आपने 10 स्पोक जरथुस्त्र सुना होगा, उसमें उसका भी इसमें रेफरेंस आता है। तो ये बर्नार्ड शॉ ने यहाँ से लिया था जो ये फिलोसॉफिकल आइडिया है एक तरीके से। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में हमारा छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी। तो आपको ये भी पता है कि स्पेनिश ट्रेजेडी का ऑथर कौन है, जो सबसे पहले आपके लिए ये ट्रेजेडीज को, सेनेकन ट्रेजेडीज को यहाँ लेके आए थे, रिवेंज, जॉन वेबस्टर। ठीक है, ये भी हो गया 6 का ए। उसके बाद 7 में आते हैं, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा अ सीरीज ऑफ प्लेज वर रिटन इन विच द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। एट फर्स्ट साइट दिस सीम्स रादर ए डल मेथड ऑफ ड्रामा बट द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज आर गिवन वेरी लाइवली ह्यूमन फीचर्स। आइडेंटिफाई द प्लेज। आप जानते हैं मिरेकल हो नहीं सकते, मिस्ट्री हो नहीं सकते, क्योंकि एक अगर जीसस क्राइस्ट पे आधारित है तो दूसरा सेंट पे आधारित है। इंटरल्यूड इसलिए नहीं हो सकता कि इंटरल्यूड मोरालिटी प्लेस के अंदर आया, और मोरालिटीज प्लेस बहुत भारी थे, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्वालिटीज, डेथ, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इनको जो है कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाया जाता था। इनकी जो है हैवीनेस की वजह से बीच में इंटरल्यूड आपके आई थी। तो इसका हो गया बी, 7th का। और अब 8th में आपको लेके चलते हैं, द एपिलॉग ऑफ एज यू लाइट इज स्पोकन बाय। तो द एपिलॉग ऑफ एज यू लाइक इट वाला क्वेश्चन है 8th, ये स्पोकन है रोजालिंड के द्वारा, और रोजालिंड जो है ऑडियंस से बोलती है हमेशा एपिलॉग। और इनफैक्ट कई जगह दिया गया है कि इसलिए बोला जाता था कि वो ये एक्सप्रेस करता था एक्टर की, आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक बॉय हूँ, क्योंकि उन दिनों गर्ल्स को एक्टर में अलाउ नहीं, स्टेज में अलाउ नहीं था। द प्लेस सेट इन द पेटकॉफ हाउस होल्ड इन बुल्गारिया एंड सेटराइजेस रोमांटिक आइडियाज कंसर्निंग वॉर एंड हीरोइज्म। अ बैटल वियरी ऑफिसर कैप्टर ब्लंचली अ स्विस मशीनरी मिशनरी फाइटिंग फॉर द सर्बियन आर्मी टेक्स रिफ्यूज इन रैना पेटकॉफ्स बेड चैम्बर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ब्लंचली की बात हो, रैना की बात हो, ठीक है, और ये पूरा तुम्हें पता है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर की बात होती है इसको, और वो रैना उसे पुकारती कि माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। इट वॉज रिटन बाई, ऑब्वियसली बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ ड्रामा है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं, दिस सीम टू बी बोथ ड्यू टू हिज आइडियलिज्म एज वेल एज द शॉर्ट कमिंग्स विद इन हिम सच एज हिज इम्पेशेंस, हिज क्रुएलिटी, हिज फीलिंग्स दैट ही हैड ओनली करेक्ट आंसर एंड आई फेल्ट इन द अर्ली 60s इंडिया हैड ऑल्सो कम फार इन द सेम डायरेक्शन द 20-year पीरियड सीम टू मी वेरी मच अ स्ट्राइकिंग पैरेलल। गिरीश कर्नाड मेक्स दिस कंपेरिजन बिटवीन द प्लॉट ऑफ वन ऑफ हिज प्लेज एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द अर्ली 60s इन इंडिया। बहुत आसान है ये भी, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये प्ले सीधे सीधे तुगलक है, और इसका ए हो जाएगा। और 1964 में आपको पता है ये आया था, और बेसिकली ये उसका सेकंड प्ले था कर्नाट का। और इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है ये इनेक्ट में छपा है, इनेक्ट, और ये 1971 में जून में ग्रीस कर्नाड ने ये स्टेटमेंट दिया था और ये लिखा था बेसिकली, तो इनेक्ट में पब्लिश हुआ था। इसके बाद हम आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो काफी इजी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये पूरा कम्युनिकेशन के बारे में, और ये बता रहे हैं कि कैसे हम, मैं जो आदमी था उसने अपने नई नई चीजें इजाद की जब भी उसके पास कुछ बैरियर्स आए, ठीक है, और उन्होंने सिंबॉलिक चीजें और आवाजें, संकेत, इन सब से जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। और दूसरे पैरा में बता रहे हैं बॉडी लैंग्वेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और तीसरे में नॉन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो है ब्रेल, ब्रेल के बारे में बता रहे हैं जिसमें साइन है, और उसके अलावा मोर्स कोड और जितने भी सिग्नल साइन के जरिए कम्युनिकेशन होता है उन सब के बारे में बताया। तो कौन सा बेस्ट समराइज करता है पैसेज को, ठीक है, तो जो ए है वही बेस्ट समराइज करता है पैसेज को, क्योंकि वेन लैंग्वेज इज बैरियर पीपल विल फाइंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और तीसरा है कि द वर्ड दीज इन द फ्रेज मैनी ऑफ दीज सिंबल्स ऑफ होल वर्ड्स रेफर टू।
तो अगर हम ये चलें 12वें क्वेश्चन में, तो इसका बी होगा, क्योंकि साइन लैंग्वेज मोशन की बात करते हैं और पूरी चीजें साइन लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। तो जितने भी दीज है, दीज का मतलब जो है, जो हम साइन लैंग्वेज मोशंस की बात करें, जो पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है उसमें देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो अब हम इसको अगर देखें तो देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एग्जिस्टेंस टूडे, बिल्कुल ट्रू है। वर्बलाइजेशन इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रू है। द डेफ एंड म्यूट यूज ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि डेफ एंड म्यूट ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। आइडियाज एंड थॉट्स कैन बी एक्सप्रेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, 100% ट्रू है। तो 13 का सी आपका हो गया। 14th में अगर हम आए तो 14 में है, उसी पैराग्राफ में, द वर्ड विंक इन द पैसेज मीन्स मोस्ट नियरली द सेम। क्या किससे मिलता जुलता है कि हम अपनी बाई आंख बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, अचानक से दाई आंख बंद कर लें, या दोनों आंखें बंद कर लें थोड़ी देर, और क्लोज एनी ऑफ द आईज ब्रीफली। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि कोई भी आंख हल्के से बंद करना विंकिंग है, जिसमें जो है कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आंख हो या बाई ही हो या दाई हो, बस आंख को हल्के से झपकाना या कुछ सेकंड के लिए बंद करना, ये सब ब्लिंकिंग है। तो इसका डी जो है 14वें का बिल्कुल सही है। 15वें में आते हैं, साइन लैंग्वेज इज सेट टू बी सो पिकारेस एंड एग्जैक्ट दैट इट कैन बी यूज इंटरनेशनली, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ। वहां साफ दिया गया है, जो 15वां है वो साफ उसमें दिया गया, स्पेलिंग के केस में ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं पोएट्री में, पोयम में। द ग्रॉसर चिल्ड्रन ईट डे ओल्ड ब्रेड, मोल्डी केक्स एंड चीज, सॉफ्ट ब्लैक बनानास, ऑन स्टेज श्रेडेड व्हीट, वीवल्ड राइस, देयर प्लेट्स हीप्ड हाई विद विल्टेड ग्रीन्स, ब्रूस्ड फ्रूट्स, सरप्राइज ट्रीट्स फ्रॉम अनलेबल्ड कैंस, टेंटेड मीट, द ग्रॉसर चिल्ड्रन नेवर गो हंग्री। तो बड़ा अच्छी पोयम है, और इसमें ग्रॉसर्स के बच्चों के लिए कुछ अलग अलग तरीके की चीजें बताई हैं कि वो कभी भूखे नहीं रह सकते, उनके पास ये चीजें मिल सकती हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो भी चीजें वो मिल सकती है खाने के लिए, कह रहा वो सब जो है खराब चीजें हैं, और या बासी हैं या स्पॉइल्ड हैं या कुछ इस तरीके की हैं, लेकिन कह रहा कोई बात नहीं, मिल तो सकती हैं, खा सकते हैं। सो एक बहुत बढ़िया, एक तरीके से आयरोनिकल इसमें फीलिंग आ रही है कि आयरनी है कि आपके पास चीजें हैं और आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन वो सब इस तरीके से हैं, और वो कमेंट करना चाह रहा है और आयरोनिकल स्टेटमेंट देना चाह रहा है। तो 16 के ए में जाएंगे तो सीधे सीधे हमारा है कि बेस्ट डिस्क्राइब लास्ट सेंटेंस ऑफ द पोयम की, नेवर गो हंग्री, ग्रॉसर चिल्ड्रन नेवर गो हंग्री, आयरोनिक है, वो नहीं जाते, लेकिन ये पैराडॉक्सिकल नहीं हो सकता, इतना जो समझने लायक ना हो ऐसा नहीं है, पैथेटिक भी नहीं हो सकता, ठीक है, और पैथेटिक तो दूसरे के लिए दया भाव होता है, डिसडेनफुल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये होगा आपका आयरोनिक। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द वर्ड टेंटेड इन लाइन 11? तो टेंटेड में हमने क्या सजेस्ट किया है, टेंटेड में हमने सजेस्ट किया कि स्पॉइल्ड है, ठीक है, जो भी वो खा रहा है वो स्पॉइल्ड है। हाउ डज द पोएम अचीव इट्स इफेक्ट, ये इफेक्ट कैसे अचीव करती है पोएम? इट पॉजेस द सर्कमस्पेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ए रीजनेबल प्लांट टू एलिविएट हंगर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हंगर को जो है एलिविएट करने के लिए, माइनस करने के लिए, कि एक हमारे पास एक ऐसा प्लान है, ठीक है, रीजनेबल प्लान, जो सर्कमस्पेक्ट एग्जिस्टेंस है, जिसका सर्कमस्पेक्ट मतलब जिसमें हमेशा आप क्या करते हैं, एक सस्पिशियस निगाहों से देखते हैं, जिसमें आप एक शक रखते हैं, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। 19th में आते हैं तो 19th में, हुज पॉइंट्स ऑफ व्यू सीम्स टू हैव बीन स्टेटेड इन द पोयम, द पोएट्स, द चिल्ड्रंस, द नरेटर्स, द ग्रॉसर्स। तो ऑब्वियसली इसको जो दिया गया है पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ वीविल्ड राइस? वीविल्ड राइस बेसिकली ऐसे राइस होते हैं जो पार्शियली और होली बोर्ड बाई इंसेक्ट होते हैं, जिन्हें कीड़े जो है थोड़ा छेद कर देते हैं, कहीं खा देते हैं, हालांकि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, और लेकिन ये इसको देखने में आपको लगता है कि ये है, इसमें कोई जर्म्स वर्म्स पैदा नहीं होते, लेकिन ये खाए हुए चावल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए है। और
फिर है, द क्रिटिकल टर्म वॉज कॉइंड बाई द अमेरिकन क्रिटिक स्टीफन ग्रीन ब्लेट, और इट इज अ क्रिटिकल मेथड बेस्ड ऑन द पैरेलल रीडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली ऑफ द सेम पीरियड, इट इज नोन एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है न्यू हिस्टोरिसिज्म की, इसमें उस समय के लिटरेरी टेक्स्ट तो सामने रखती हैं और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट भी पैरेलल दोनों को पढ़ते हैं और हिस्ट्री को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस समय जैसे क्रिएट करी गई थी उस हिसाब से नहीं, नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरी है जो नेट में और यूसेट में पढ़ाई जाती है, न्यू हिस्टोरिसिज्म। फिर आते हैं 22वें में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैजिकल रियलिज्म एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट वंस। मैजिकल रियलिज्म आप जानते हैं एक तरीके का लिटरेरी टर्म है जो लैटिन अमेरिका से हुआ था, और इसमें रियलिस्टिक एलिमेंट जो है रियलिटी में बड़े बढ़िया तरीके से मैजिक या अनरियल या फैंटेस्टिक एलिमेंट्स को इन्फ्यूज किया जाता है, जो और गहराई से उसको जो है एम्फेसाइज करने के लिए होता है। तो इट इज ए चीफली लैटिन अमेरिकन नैरेटिव स्ट्रेटजी एक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय द मैटर ऑफ फैक्ट इंक्लूजन ऑफ फैंटेस्टिक और मिथिकल एलिमेंट्स इनटू सीमिंगली रियलिस्टिक फिक्शन, और इट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन द 1930s। सम स्कॉलर्स हैव पोजिटेड द मैजिक रियलिज्म इज ए नेचुरल आउटकम ऑफ पोस्ट कोलोनियल राइटिंग, या फिर प्रोमिनेंट अमंग मैजिक रियलिस्ट आर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जॉर्ज आर्माडो एंड जॉर्ज लुइस बोर्जेस। तो इसमें जो करेक्ट है आपका वो है आपका लिटरेरी मैजिक रियलिज्म एक्चुअली लैटिन अमेरिका से ही शुरू हुआ था, और उस समय ये लोग यूरोप में जो है के सरियलिज्म से बड़े प्रभावित हुए थे। जब ये गए थे यहाँ से लैटिन अमेरिकी लोग यूरोप में ट्रेवल करने गए थे और सरियलिज्म से बहुत प्रभावित हुए थे। आपने सरियलिज्म मॉडर्न में सुना होगा, जिसमें आपने एक बहुत बढ़िया नाम सुना होगा प्रिंटर का, सल्वाडोर डाली भी सुना होगा। और फिर फ्रेंच रो की बुक आई थी, उसमें जो उससे प्रभावित हुए लुइस बोर्जेस ने लैटिन राइटर्स को इसके लिए इंस्पायर किया था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है 22वें में वो बी है, क्योंकि 2, 3 और 5 करेक्ट हैं। 2 सही है, 3 भी लगभग 1930s के दौरान ही ये शुरू हुआ था, और 5 है प्रोमिनेंट ये है। बाकी ये जो है सम स्कॉलर्स हैव पोजिटेड दैट मैजिक रियलिज्म इज ए नेचुरल आउटकम ऑफ पोस्ट कोलोनियल राइटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में, मैच द क्रिटिक्स विद द बुक्स। 23वें में आ जाइए, 23वां कहता है कि क्रिटिक्स को मैच करो। तो इसमें जो आंसर है आपका वो बी है, और बी में फर्स्ट का सी है देखिए, और सेकंड का डी है, और थर्ड का आपका ए है, और फोर्थ का रोला बार्थ का माइथोलॉजीज है। तो अगर हम इसको देखें तो एक तरीके से ये हमें मिलते हैं जितने भी करेक्ट हैं। इसमें आपको पता है कि ये जितने भी लिखे हैं यहाँ, अल्थसर का फॉर मार्क्स आप जानते हैं, होमी भाभा का द लोकेशन ऑफ कल्चर, क्योंकि कल्चर और पोस्ट कोलोनियल इम्पैक्ट के बारे में बोलते हैं। रोला बार्थ की माइथोलॉजीज पीटर बेरी के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिलता है, और मार्सिया इलाइड जो है उसके बारे में कहें तो उन्होंने फ्रेंच जो माइथोलॉजीज को ट्रांसलेट करके ये किताब लिखी थी, मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें बी जो है वो सही है। फिर आते हैं 24वें में थोड़ा बहुत ज्यादा डाइसी सा है ये, और कभी ये पीटर बैरी या विल्फ्रेड ग्रिन, ली मॉर्गन, माइकल रेयान, इसमें कहीं पर वैसे मैं इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ श्योर, तो ये अनश्योर है मेरी ओर से, लेकिन मैं ली मॉर्गन को समझ रहा हूँ, क्योंकि ली मॉर्गन ने काफी पोस्ट कोलोनियल में बहुत ज्यादा लिखा है। पीटर बैरी ने भी किए हैं कमेंट, लेकिन ली मॉर्गन से पीटर बैरी में से कोई एक ये हो सकता है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको हम मेन आंसर की पे ही देखेंगे, या फिर कभी अगर मुझे मिला तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको नहीं ढूंढ पाया हूँ। बाकी क्योंकि ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है और एकदम से मिलना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है 25वां, जिसमें आते हैं नेम द फिलोसोफर हु अटेम्प्टेड
टू फ्यूज स्ट्रक्चरलिज्म विद मार्क्सिज्म। तो ऑब्वियसली ये लुईस एल्थसर था जिसने मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म पे बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके लिए आप मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों को पढ़िए। पीटर बेरी में पहला चैप्टर स्ट्रक्चरलिज्म से ही शुरू होता है और फिर वहीं आप सीरीज से अगर उसे पढ़ें तो ये लुईस एल्थसर का जिक्र पूरा वहां आता है। 26 में आते हैं जिसमें हम कहते हैं हु इज नोन फॉर द लिटरेरी थ्योरी ऑफ इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म आपको पता है कि एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी होती है जिसमें एनवायरमेंट को जो है सबसे प्रमुखता दी जाती है और इसमें विच फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द एनवायरमेंट। तो इस थ्योरी के लिए कौन नोन है कहते हैं, तो हम इस थ्योरी के लिए जो आंसर आपका है वो है सी, जोनाथन बेट। बेसिकली एक तरीके से इनॉगरेटर थे ऑफ इको क्रिटिसिज्म, जिन्होंने उद्घाटन किया था समझ लीजिए इको क्रिटिसिज्म का कहां ब्रिटेन में। तो ये यही जो ब्रिटिश ब्रिटेन में इको क्रिटिसिज्म को लाने वाले यही थे जोनाथन बेट। तो ये इन्होंने ही बात की है और बाकी जितने भी हैं पोस्ट कॉलोनियल हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एडवर्ड सैट और टेरी गल्टन कई में आते हैं कल्चर मटेरियलिज्म में भी और कई चीजों में, तो ये सब लोग अलग हैं। अब आते हैं 27, विच लिटरेरी थ्योरी एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड इज एसोसिएटेड विद फर्डिनांड डी सॉसर। तो 27वें में आते हैं और 27वें का आंसर है आपका ए, क्योंकि लैंग्वेज इन शेपिंग और परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आपको पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो तीन एलिमेंट थे और सॉसर ने जो दिया था और इसमें जिसमें आप ये देखते हैं कि द वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी और वर्ड्स आर रिलेशनल और ये इस तरीके के जितने भी हैं ये सब स्ट्रक्चरलिज्म में है और ये फर्डिनांड डी सॉसर का थ्योरी है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है जिसको फर्डिनांड डी सॉसर के लेक्चर से उनके शिष्यों ने एक बुक के रूप में तैयार किया था। तो पहला है ये भी पीटर बेरी में चैप्टर आप देख सकते हैं। 28वें का भी ए होगा और ये बहुत बढ़िया है कि द विक्टोरियन एरा इन लिटरेचर इज कैरेक्टराइज बाई ए फोकस ऑन सोशल इश्यूज। बिल्कुल था, मॉरेलिटी से भी था क्योंकि बहुत करप्शन हो गया था एंड द कंसीक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही क्योंकि हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रिवॉल्यूशन आ चुकी थी। पैराडॉक्स रिफर टू ए सिचुएशन और ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी बट मे हैव एन अंडरलाइंग ट्रुथ। बिल्कुल है और ये कंट्राडिक्टरी लगती भी है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गहरा घुसना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दूं पैराडॉक्स का, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब कहां चाइल्ड और फादर दोनों कंट्राडिक्टरी भी लग रहे हैं लेकिन ये है पैराडॉक्स का बढ़िया एग्जाम्पल जहां अंडरलाइंग ट्रुथ बहुत गहरा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ए आ जाएगा 28वां। अब आते हैं हम 29वें पे, हु इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये आपने लगातार कितने पेपर में पढ़ा होगा और ये थ्योरी हेरोल्ड ब्लूम की है, ठीक है, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इसलिए इसको आप निशान लगाएंगे ये ए। 30वां कहता है द डिक्शन शुड बी इलैबोरेटेड इन द पॉज ऑफ द एक्शन वेयर देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर और थॉट, फॉर कन्वर्सली कैरेक्टर एंड थॉट आर मियरली ऑब्स्क्योर्ड बाय अ डिक्शन दैट इज ओवर ब्रिलियंट, हु कमेंट्स दस ऑन द पर्पस ऑफ डिक्शन। तो ये बहुत ही इजी है और इसमें जो है ये जिसने भी ये किया है कभी अरिस्टोटल को अच्छी तरह पढ़ा वो जानता है। अरिस्टोटल इसका जिक्र पोएटिक्स में ही करते हैं और साफ तौर पे करते हैं सेम कमेंट। पार्ट 24 में ये आता है जहां पर आपकी जो है ट्रेजेडी एंड इसका नाम है एपिक, ट्रेजेडी एंड एपिक की बात होती है यहाँ पर अरिस्टोटल ये स्टेटमेंट कहते हैं। 31 का सी है, नन एवर विश्ड इट लॉन्गर देन इट इज, इट्स perusal is a duty rather than a pleasure. We read Milton for instruction, retire harassed and overburdened, and look elsewhere for recreation. We desert our master and seek for companions. Paradise Lost के बारे में Dr. Johnson ने कहा है और ये इसके बारे में बता दूं कि ये in life of Milton में जो है जो Johnson ने लिखी थी Lives of the Poets उसमें life of Milton जहां वो describe करता है वहां उसका क्रिटिक डिस्क्राइब करता है।
पैराडाइज लॉस्ट का, तो लाइफ ऑफ मिल्टन में ये इसका पूरा जिक्र करता है। तो ये है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ प्रेफेस टू शेक्सपियर? प्रेफेस टू शेक्सपियर भी आपको पता है कि बहुत आसान है, और ये भी आपको ले चलता है कहाँ, डॉक्टर जॉनसन के पास। ये भी डॉक्टर जॉनसन की, तो दो डॉक्टर जॉनसन के जो है लिखे हुए क्वेश्चन लगाता। हु इज द क्रिटिक दैट इंट्रोड्यूस द टर्म्स ए फ्लैट करेक्टर एंड नाउन करेक्टर विदाउट हेजिटेशन? ई एम फोस्टर। इनकी एक नॉवल थी ना, बुक थी एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, इसमें इन्होंने जिक्र किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 34वें में आ जाते हैं। विच क्रिटिक इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द वेस्टर्न कैनन? वेस्टर्न कैनन पे जिस क्रिटिक ने काम किया है उनका नाम है हेरोल्ड ब्लूम, और हेरोल्ड ब्लूम ने लगभग 26 राइटर्स के बारे में लिखा है, और उन्होंने कहा कि ये जो है वेस्टर्न कैनन को दिखाते हैं, और 1994 में ये वर्क लिखा था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये लोग सेंट्रल हैं, 26 राइटर सेंट्रल हैं वेस्टर्न कैनन के। कैनन कहते हैं ग्रुप ऑफ जो है वेस्टर्न, जितने भी राइटर हैं, जितना लिटरेचर है उसको इकट्ठा करने की जो यूनिट है कैनन है, मतलब उसको हम इकट्ठा एक साथ ले ले तो कैनन होता है। तो वेस्टर्न कैनन के लिए 26 राइटर्स को इन्होंने चुना है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन इन्वॉल्विंग वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग और सिमिलर साउंड। जाहिर सी बात है ये आयरनी नहीं है, मेटाफर नहीं है, एलेगरी नहीं है, पन है, और पन शेक्सपियर जिसमें माहिर था, और ये इसका आंसर होगा 35वें का बी। जैसे तुम इसमें दो शब्द एक से लगते हैं लेकिन मीनिंग हो सकती है अलग, या एक शब्द की दो मीनिंग हो सकती है, ये सब जो है पन का है। 36 में आते हैं। 36 का द टर्म इंटेंशनल फेलेसी। अब इंटेंशनल फेलेसी भी आपका जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि इंटेंशनल फेलेसी जो है विम्सेट एंड बर्ड्सले ने लगभग 20th सेंचुरी में ढूंढी थी, तो 36 का आपका डी हो गया। 37 में आ जाते हैं। 37 में द टर्म हेटरोग्लॉसिया, हेटरोग्लॉसिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो दिया था 37 के बी में, द जक्स्टापोजिशन ऑफ मल्टीपल वॉइस इन ए टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हेटरोग्लॉसिया कहा जाता है। टेक्स्ट नोट्स मीन्स नोट्स टेकन फ्रॉम ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। बुक्स एंड जर्नल से जो आप नोट्स लेते हैं वो टेक्स्ट नोट्स होते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट है इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये रिसर्च में से आ गया आपका, रिसर्च मेथड्स में से, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। 39th में अगर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टूल ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश। ठीक है, रिसर्च का बेसिक टूल कौन सा नहीं है इंग्लिश में? तो अगर हम देखें कि बिब्लियोग्राफी आप रिसर्च में लिखते ही हैं, नोट टेकिंग लिखते ही हैं, टेक्सुअल एनालिसिस आप करती हैं, लेकिन खुदाई आप नहीं करते लिटरेचर में, तो एक्सकेवेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, क्योंकि आपका ये बेसिक टूल रिसर्च इन इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सी, 39 का सी। 40 का आप कहेंगे कि अगर बिब्लियोग्राफी एंट्री रिसर्च पेपर में तो क्या पैटर्न होता है, तो उसके लिए जो पैटर्न है वो सी है, ऑस्टन जेन सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ईडी आता है स्मॉल में, क्लॉडिया जॉनसन न्यूयॉर्क, ये आएगा प्रिंट, ये तो सी वाला जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, 41 का सी, डॉक्टर फॉस्टस। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं सोचता हूँ कि ये यूसेट के, तो क्या ये एलटी लेवल से भी नीचे के लेवल के क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, 42 में आते हैं कि हु वाज द पोएट हु लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडवर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। हाईली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन, मैं इसको अपनी ओर से देख रहा हूँ कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। शायद ये चौसर के बारे में कहना चाह रहे थे, एडवर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इन राजाओं के शासनकाल में तो शेक्सपियर का होने का सवाल है नहीं, लवलेस हो नहीं सकता, स्पेंसर हो नहीं सकता, थॉमस कैरी हो नहीं सकता, तो मैं इसको अपनी ओर से रॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आयोग जो भी कहेगा, बट अगर ये रॉन्ग निकला तो फिर सभी को इसमें जो है वो मिलेंगे मार्क्स। 43 में आते हैं। विच पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8 सिलेबल्ड कपलेट्स कंटेनिंग 30,000 लाइन्स रिलेट्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज रिकॉर्डेड इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। बहुत आसान है, और ये जो है पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है, जिसे कर्सर मुंडी कहते हैं, और ये बेसिकली
एक तरीके से इसका एक और नाम है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसको कहा जाता है ओवर रनर, ओवर रनर ऑफ द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। और ये एक रिलीजियस पोयम भी है, मिडिल इंग्लिश में है। इसमें हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जहां से बिल्कुल क्रिएशन होता है गॉड का, वहां से लेके डूम्स डे खत्म होने तक, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो ये हो गई। और उसके बाद आ गई, ये 30,000 लाइन की है पोयम। उसके बाद विच राइटर ऑफ द रिस्टोरेशन बिकेम द पोएट लॉरिएट। जाहिर सी बात है, आपके पोएट लॉरिएट जो है ड्राइडन का नाम आता है रिस्टोरेशन पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए लेफ्ट विंग पोएट, W.H. Auden। आपको पता है इन लोगों ने जो है पूरा पाइलन पोएट्स और इन सबके ग्रुप थे, ये सब लोग लेफ्ट विंग में थे। हालांकि बाद में ऑर्डन जो है चेंज हो जाता है और हल्का सा उसका इससे जो है वो हट जाता है इंटरेस्ट, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत आसान है ये भी, जो 46th है, क्योंकि इसमें क्या है कि 2, 4, 3, 1 है। पहले चौसर की कैंटरबरी आएगी, फिर पर्सी की आएगी। पर्सी की आई थी 1765 में, ठीक है। बस ये हो गया, और बाकी की आपको पता ही है, जो जो है आपको ये पता है कि 1516, सॉरी यूटोपिया नहीं है इसमें, डार्विन की लगभग आई थी आपकी, आपको पता 1915 नाइन के करीब शायद, और वर्ड्सवर्थ की 1798। तो इस तरीके से 2 सबसे पहले है, फिर आते हैं चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, फिर आते हैं 4, ठीक है, 2, 4, और फिर आते हैं आपके 3 वर्ड्सवर्थ, और लास्ट में आते हैं डार्विन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं 47 में, दिस फूट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, कुड आई डिस्क्राइब सच, दीज लाइन्स अकर इन द पोयम। ये भी आसान है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, और ये सी है, जो द लास्ट राइड टुगेदर। और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जो है ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर था। इन चौसर द जनरल प्लॉग हु मेक्स द रिमार्क माई विट इज शॉर्ट, ये मे वेल अंडरस्टूड, नरेटर है जो प्रोलॉग को बोल रहा है और ये आपको बता रहा है कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा जो है ज्ञान छोटा है, आप जरा इसका, जैसे आप कहते हैं कि कोई गलती हो तो माफ करिएगा। 49, मैच द पोएम्स विद देयर पोएट्स, बहुत आसान है ये भी। और 49 का जो आपका बनता है बी है सेगमेंट, जिसने भी ये पेपर किया है सही लगाया है। फर्स्ट का डी है और सेकंड का सी है और थर्ड का आपका ए है, थर्ड का सॉरी बी है, और कीट्स का फोर्थ का ए है। अब चलते हैं 50 में, और 50 की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है। जो 50th है उसमें आंसर सी है, फर्स्ट का डी और सेकंड का सी लूसी और थर्ड का ए टू ऑटम और फोर्थ का फिर जो बचा बी। तो ये हो गया। अब आते हैं 51 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चौसर्स कैंटरबरी टेल्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। द फ्रेमिंग डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ सैमुअल बर्न्स, सैमुअल बर्न्स नहीं है, सेंट थॉमस बैकेट है, गलत हो गया ये। द 30 पिलग्रिम्स हू अंडरटेक द जर्नी गैदर एट द टैबर्ड इन साउथ वर्क अक्रॉस द थेम्स फॉर लंदन, ठीक है, ये सही है। दे एग्री टू एंगेज इन ए स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट एज दे ट्रेवल, ये भी सही है। हेनरी होस्ट ऑफ द टिलार्ड, टिलार्ड है नहीं, वो टैबर्ड इन है, और वो हैरी बेले है, हेनरी भी नहीं है, ये नहीं है। मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय विविड ब्रीफ स्केचेस इन द जनरल प्रोलॉग, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बनता है वो बनता है बी। तो हम आएंगे बी पे कि 2 सही है और 3 सही है एंड 5 सही है, बाकी सब गलत है। तो ये हो गया 51। 52 में आ जाइए,
विच इज कंसीडर्ड द लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइम। तो ये बेसिकली उस समय हीरोइक कपलेट को कहा जाता था। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन में देख रहा हूँ, इसमें हीरोइक रॉयल लिखा है, ये हीरोइक कपलेट होना चाहिए था मुझे लगता है, और लेकिन ये कहा जाता है हीरोइक कपलेट को, तो आप देख लीजिएगा। इसमें भी मैं अपना कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड? अनऑफिशियली आपको पता है बेन जॉनसन ही था, उसी का नाम है। मैच द फॉलोइंग वर्क विद देयर राइटर्स, और राइटर्स के साथ ये वर्क अगर मैच करो, ये भी बहुत आसान है। जो 54 है उसका आपका हो जाएगा डी, ए का फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जॉफरी चौसर, और बी का थर्ड एलेक्सेंडर बार्कले शिप ऑफ फूस, डांस ऑफ डेडली सेवन डेडली सीन विलियम डनबार, ठीक है, और द टेम्पल ऑफ ग्लास जॉन लिडगेट। इसमें मैंने बच्चों को ट्रिक भी सिखाई थी अपने वहां, तो ये सही करके सब लोग आए होंगे। 55 में आते हैं। इन ए सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश पोएट ब्लेक कम्स बिफोर वर्डसन एंड कॉलरिज कम्स बिफोर बायरन, हु इज द फर्स्ट पोएट इन द सीक्वेंस? जाहिर सी बात है कि वर्ड्सवर्थ कॉलरिज समकालीन है और बायरन जो है बाद में आता है, जो कि आपको पता है कि जो जूनियर इसमें आते हैं रोमांटिक्स में, शैली बायरन और कीट्स, और ब्लेक तो वैसे भी पहले ही आता है, क्योंकि ब्लेक जो है आपको पता है कि रोमांटिसिज्म के प्रीकर्सर्स में आता है, प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ये लोग पहले ही रोमांटिसिज्म का माहौल बना चुके थे, ठीक है, तो इसलिए ये ब्लेक होगा, 55 का सी। अब आते हैं नेक्स्ट। इन विच पीरियड डिड द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट फ्लॉरिश? तो रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट जब फ्लॉरिश हुआ तो किस पीरियड में हुआ? आपको पता है कि 16 सेंचुरी है नहीं, 17 सेंचुरी है नहीं, 18 सेंचुरी है, क्योंकि 1798 यानी 18 सेंचुरी, ठीक है। अब आते हैं, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? मतलब मैं हैरान हूं कि इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप हिंट दे रहे हैं, फिर द कैंटरबरी टेल्स भी दे रहे हैं, तो आप कौन इसको छोड़ के आएगा ये बताइए। तो 57 का ए। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? कितना आसान है ये भी, ठीक है, अरुंधति रॉय, आस्था राहेल, इनकी सबकी कहानी है। हु इज द ऑथर ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड? अगर किसी ने किताब न पढ़ी हो तो ये किताब जो है दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में शुमार है और आपको पढ़नी चाहिए, हार्पर ली, विदाउट एनी जस्ट कंफ्यूजन यू कैन से, ठीक है, हार्पर ली। और इन डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो द प्रोटागोनिस्ट इज शिपरेक्ड एंड रीचेज ऑन द शोर ऑफ एन आइलैंड व्हिच ही कॉल्स द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर? ये बहुत आसान है, ये कितनी बार आपने पढ़ा होगा, आइलैंड ऑफ डिस्पेयर वो कहता है इसको। फिर आते हैं 61 में, एंड इन बीइंग फोर्स टू क्लास हरसेल्फ अमंग द फॉर्चुनेट शी डिड नॉट सीज टू वॉन्डर एट द परसिस्टेंस ऑफ द अनफॉर्सीन व्हेन द वन टू होम अनब्रोकन ट्रैंक्विलिटी हैड बीन अकॉर्डेड इन द एडल्ट स्टेज वाज शी हुज यूथ हैड सीम टू टीच दैट हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। खाली आपको इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन भी अगर याद होता तो आप आराम से ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन आराम से लगा देते, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। और इसके बाद निमी इज द वाइफ ऑफ ए जज इन ए नॉवल ऑथर्ड बाय, तो इसमें आ जाएंगे। और निमी जो है ये बहुत, ये भी फेमस है, डी है, जो किरण देसाई की जो है नॉवल है, और किरण देसाई की नॉवल में ही बेसिकली ये पूछा जाता है, निमी इज द वाइफ ऑफ ए जज इन ए नॉवल ऑथर्ड बाय। और ये जो नॉवल है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, और इसमें जो है आपको पता है कि जज की वाइफ होती है निमी, और 14 की उम्र में इसकी शादी हो गई होती है, 14 इयर्स में जज वाइफ। वन ऑफ ओ हेनरी स्टोरी एंड्स विद, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप पूरा भी पढ़ेंगे तब भी आपको यही पता चलेगा कि ये वो वाली कहानी है जिसमें वो उसके बालों के लिए लेके आता है गिफ्ट, और बाल वो सुंदर बेच के उसके लिए ब्रेसलेट लाती है, तो ये गिफ्ट ऑफ मैजाई, ठीक है, तो दे आर द मैजाई। उसके बाद आते हैं
64 में, तो 63 का डी था और 64 में आएंगे तो 64 जो है क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो, जैसे ही आप कहेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी तुम्हें पता है, एंड दैट्स ऑल, जिसको हम सलाओ कह के बुलाते थे, द मोस्ट अनलकी मैन। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ सलमान रुश्दी। देखो मूर्स लास्ट साई की बात करें, ग्राउंड बीनीथ हर फीट की बात करें, और अगर हम बात करें कि क्विशट की, तो ये तीनों, अब मूर्स लास्ट साई आपको पता 1995 में आया था, नॉवल था, ग्राउंड बीनीथ हर फीट उसके बाद 1999 में नॉवल था, और क्विशट की बात करें तो 2019 में आया था नॉवल। लेकिन जैसे हम एंटोन की, जोसेफ एंटोन की बात करते हैं, ये आया है 2012 में, और ये नॉवल नहीं है भाई, ये है आपका मेमोयर जोसेफ एंटोन, और ये बेसिकली ये इसलिए 65 का जो ऑड वन आउट है वो हो जाएगा आपका डी, डी का जो ऑप्शन है मेमोयर, अदर्स आर नॉवल्स, तो ये सही है डी। अब आते हैं 66 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिसीव्ड इन जॉर्ज ऑरवेल्स ऐसे इनसाइड द होल, तो इसमें आपका आंसर है ए हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसने भी सही किया जो बच्चा है जिसने भी ये दिया है, क्योंकि इसने हेनरी मिलर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रिव्यू किया था, ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे इन थ्री पार्ट, ये लंबा ऐसे था थ्री पार्ट का, इसका रिव्यू किया था और वहां इसने जिक्र किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट मेंशन्ड बिलो डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज, देखिए इसमें 67 का जो आपका आंसर है वो डी है, जॉन डॉस पैसोस ने नहीं लिया, सिंक्लेयर लुइस ने भी लिया है, ठीक है 1920 में लिया है, पांच ग्रेट नॉवल थे इसके जबरदस्त, बहुत जाना जाता है उनसे। और पर्ल बक के बारे में तो भैया आप एक और क्वेश्चन लिख लें, फर्स्ट वुमन है अमेरिकन, फर्स्ट अमेरिकन वुमन है जो नोबेल प्राइज जीतती है, और ये जीतती है 1938 में। स्टीनबेक ने पुलित्जर भी जीता है ग्रेप्स ऑफ रेथ के लिए, 1962 में इसने नोबेल जीता और पुलित्जर जीता 1939 में ग्रेप्स ऑफ रेथ के लिए। बाकी जॉन डोस पेसोस इसका आंसर है। 68 पे आते हैं, 68 का सी है टॉर्टोइजिस, जो सीधे सीधे आंसर है आपका डी एच लॉरेंस का, जो नॉवल नहीं है, ठीक है उसको आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी ईएम फोस्टर, आपको याद रखना चाहिए डेट 1924, खत्म करें आगे बढ़ें, डॉक्टर अजीज याद होगा आपको, ठीक है। और फिर आते हैं 74 में, 74 का आंसर है बर्लेस पैरोडी एंड ट्रेस्टी, ऑब्वियसली वेरियस फॉर्म ऑफ सेटायर है, क्योंकि बर्लेस का अपना एक ही फॉर्म है सेटायर है, मॉकरी है ये सब, पैरोडी भी मॉकरी करती है, ट्रेस्टी भी, मैंने एक यूट्यूब में बढ़िया लेक्चर दिया बर्लेस पे, आप देख सकते हैं। When words have some pronunciation but different spelling, तो ये भी आप सबको बचपन से आता है कि आपके लिए homophones आते हैं करने के लिए, इसे homophony कहते हैं। Which of the following figures of speech involves the repetition of a vowel sound? तो आपको पता है assonance है, ठीक है ये भी क्लियर है 76 का। फिर 77 में आते हैं द कम्युनिकेशन इफेक्ट ऑफ द स्पीच पिच वॉल्यूम एंड कनेक्टिविटी ऑफ स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, मैंने इसमें बहुत अच्छा आपको पैरा लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन में भी बताया है नेट वालों को फर्स्ट पेपर में, और साथ में मैंने इसको पेडागोजी में भी बताया है कम्युनिकेशन के ये संप्रेषण में बहुत अच्छे तरीके से। फिर रहते हैं इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बहुत अच्छा है ये इंग्लिश टीचिंग मेथड से आया है 78, ये अगर आपको आता होगा तभी आप कर सकते हैं, तो इसका भैया बी है, और बी में जो 1, 2 एंड 4 है वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 100%। इसका एक होता है कि इनके रोल होता है टू बी एबल टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, टू है टू टीच ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, और चौथा है द टीचर इज इसमें अथॉरिटी का काम करता है क्लासरूम में, 3 और 5 इसमें गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका बी आंसर होगा 78। अब आते हैं 79 में, मैच द कैटेगरीज विद कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स की कैटेगरीज मैच करने के लिए,
तो किस कैटेगरी में कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है? तो मैं इसमें जाऊंगा और ये आंसर है फर्स्ट का सी और सेकंड का ए और थर्ड का बी। तो इंट्रापर्सनल में जो आपका बैरियर आता है वेरिड परसेप्शन आता है, इंटरपर्सनल में आपका लिमिटेड वोकेबुलरी आता है, ऑर्गेनाइजेशनल में आता है इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड हो जाती है। तो ये है बैरियर, इसको बैरियर्स के लिए काफी लंबा समझाना पड़ेगा, तो आप इसका सही आंसर समझिए। 80, फिर से इंग्लिश टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आया है, ये भी 100% आपका सही है जो मैं बता रहा हूँ कि 80 का जो होगा वो आंसर होगा ए। इन द कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग द टीचर्स ग्रीट द स्टूडेंट्स, वो ग्रीट करता है उन्हें, इंट्रोड्यूस करता है उनको, एंड हैज द स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और उनसे भी कहता है कि इंट्रोड्यूस करो अपने को, ठीक है, अपने को भी इंट्रोड्यूस करते हैं टीचर। बिल्डिंग ए रिलेशनशिप विद एंड अमंग स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका रीजन है, 100% ये इसका रीजन है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ आर ट्रू, तो ए इसका सही आंसर है। 81 में आते हैं। 81 में इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फोर टाइप्स ऑफ स्पेस एग्जिस्ट, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि स्पेस कितने कितने फीट पे होते हैं, और इंटीमेट जोन होता है पहला, फिर पर्सनल होता है, फिर सोशल होता है, और लास्ट जोन होता है पब्लिक, जो 12 से 25 फीट की दूरी तक होता है, सबको मैंने समझा रखा है। तो ये है पब्लिक जोन, 100%। इन सलमान रुश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन, इनमें जो 12 बजे जो बच्चे सलीम सिनाइस का हुआ है, और इसमें जितने भी बच्चे पैदा हुए होते हैं, इनमें एक खास बात है, सलीम सबसे टेलीपैथी के थ्रू जुड़ सकता है और उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये है 82 का सी। 83 में आ जाते हैं। इन वन ऑफ द नॉवेल्स बाय अरविंद अडिगा द होल स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 ईमेल्स रिटन बाय द प्रोटागोनिस्ट टू द चाइनीज प्रीमियर क्लेमिंग हिमसेल्फ एज सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर, आइडेंटिफाई द नॉवल। ऑब्वियसली ये जो है द वाइट टाइगर है, और इसमें जिसकी बात हम करते हैं कि वो लेडी कहती है कि जिबागो को बेसिकली ये देन लेटर लिखने को, जिबागो को एक कोई ऐसा इंडियन एंटरप्रेन्योर बताओ कहते हैं जिसकी कहानी जबरदस्त हो, तो फिर उसको बताते हुए ये कहानी है, और तुम्हें पता है कि इसमें एक बढ़िया इंडियन एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो पहले जीरो होता है फिर इतना कुछ जुटा लेता है, और 2008 में ये बुक आई थी और इसको बुकर प्राइज भी मिला, और जिस बुकर प्राइज को इसने जीता वो बुकर प्राइज की उसमें 40वां बुकर प्राइज था वर्ल्ड में, ठीक है, तो 2008 में इसको बुकर प्राइज मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 84 में आते हैं। 84 का जो है मैच द फॉलोइंग के तो इस बार इतने आए हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। 84 का डी है, देखिए फर्स्ट का बी है इंडिया इस, और सेकंड का सी है, और थर्ड का इसमें डी है, और फोर्थ का ए है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तारीख को ये सब किया था। इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन 1836 बाई द ब्रिटिश रूलर, तो इन इंडिया ही है उस समय जो है, आपको पता है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था विलियम बैंकेट जो है बेंटिक, तो 1835 में ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, और 37 में ये हो गई ऑफिशियल एजुकेशन लैंग्वेज बन गई पूरी एजुकेशन की। इन इंडिया पीपल लाइक डैश 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 व्यूड इंग्लिश एज ए बैरियर ऑफ क्लास इक्वलिटी टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ये वैसे मैंने कई जगह रिसर्च किया, इस पे भी मैं लगभग 50-50% की बात करता हूँ, हालांकि मैंने बहुत पढ़ने के बाद इसको जो निकाला है वो है मुल्क राज आनंद, तो आप इसको मुल्क राज आनंद में जा सकते हैं, बाकी ऑफिशियल की में इसको मिला सकते हैं। 87 में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नॉवल्स भाई, फिर से अरेंज और मैच टाइप के क्वेश्चन है, एडिगा के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने हैं, और क्रोनोलॉजी कोई भी आराम से जो है जिसने पढ़ा हो बता देगा। तो सी इसका आंसर है 4321, ये पहला है, फोर दूसरा है, तीसरा है, बिल्कुल उल्टा है इसमें, चौथा है बस। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कल्चरल स्टडीज, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि कौन सा कल्चरल स्टडीज का टाइप नहीं है, तो अगर हम देखें तो फॉर्मेलिज्म को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिज्म सिर्फ फॉर्म्स पे था, टेक्स्ट की फॉर्म्स पे,
और ये लोग फॉर्म्स पे बात करते थे। बाकी कल्चर से जुड़ जाते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में भी कल्चर जुड़ जाता है, कल्चरल स्टडीज में तो होता ही है, न्यू क्रिटिसिज्म में भी जो है कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है, फॉर्मलिज्म में ये बिल्कुल नहीं है। तो विच लिटरेरी थ्योरी ट्रांसेंड्स द कन्फाइंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का था, मैं फिर से इसे बता रहा हूँ। मैंने वो पढ़ दिया और उसमें निशान उसमें लगा दिया, ठीक है। कौन सा कल्चरल स्टडीज का टाइप नहीं है? 88 में जो है आएंगे हम डी में, फॉर्मेलिज्म नहीं है, ब्रिटिश कल्चर मटेरियलिज्म है ही, न्यू हिस्टोरिसिज्म भी कल्चर को दिखाता है, पोस्ट मॉडर्न भी कहीं से जोड़ता ही है लेकिन फॉर्मेलिज्म नहीं जोड़ता फॉर्म्स के बारे में। कौन सी लिटरेरी थ्योरी ट्रांसेंड करती है कन्फाइंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन सच एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री? तो इसमें आपको जो आंसर मिलेगा वह है बी, कल्चरल स्टडीज ही ऐसी जो इस तरीके का काम करती है। मैच द टाइटल ऑफ द क्रिटिकल वर्क विद देयर ऑथर्स, क्रिटिकल वर्क के ऑथर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और सारे अच्छे ही वर्क हैं ये, तो इसका जो है वो बी होगा, फर्स्ट का सी और सेकंड का डी और थर्ड का बी और फोर्थ का सिमोन द बोवार द सेकंड सेक्स की राइटर, ये हो गया 90। अब आते हैं 91 में, द फॉलोइंग थिंकर कंपाइल्ड ए नोटबुक ऑफ शेक्सपियरियन इडियम्स एंड फ्रेजेस व्हेन ही वाज लर्निंग। इसको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च आउट किया है लेकिन इसमें जब मैं रिसर्च आउट करने लगा तो जो सबसे ज्यादा आइडिया काम आया वो जो काम आया है इसका आंसर तो है कार्ल मार्क्स। देखिए जब 1840 में इसने इंग्लिश सीखनी शुरू की तो बेसिकली एक तो थिंकर है इसमें हिंट, दूसरा इसकी डेट से आप समझ सकते हो जितने भी लोग हैं सब 1840 के बाद ही पैदा हुए हैं, चाहे स्टीफन ग्रीनब्लैट लो, माइकल बाकथिम लो, रेमंड विलियम्स लो, सब मॉडर्न थिंकर है, तो कार्ल मार्क्स ही एक बचता है तो इसलिए हमने इसे कार्ल मार्क्स लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ये बेसिकली जर्मनी से आया था और फिर जाके इंग्लैंड में आया था, फिर इसकी मुलाकात हुई थी अपने जिनके साथ इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, ठीक है, तो इसलिए कार्ल मार्क्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन मैगजीन, तो अमेरिकन मैगजीन इसमें जो नहीं है वो 92 का जो क्वेश्चन है वो डी है, द न्यू अटलांटिस, बाकी सब अमेरिकन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, ये तो कई बार आया क्वेश्चन है, ठीक है, दैट बिगन इन द डेली कुरंट है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और 93 में आया था, एलिजाबेथ मैलेट इसे निकालती थी, 1702 में ये आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली जो इनकरेक्टली है, सैमसन एगोनिस जॉन मिल्टन सही है, मैक प्लेकनो भी सही है और यूडीब्रास सैमुअल बटलर सही है, तो ऑन ए गर्डली होगा, ठीक है, तो इसका 94 का थर्ड आ गया सी। 95 में द पीरियोडिकल एडॉप्टेड ए फिक्शनल, जो पीरियोडिकल की बात है और स्पेक्टेटर क्लब के सारे मेंबर आपको दिख रहे हैं, एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, तो द स्पेक्टेटर है 100%। 96 द बुक वॉज इम्पॉसिबल टू ले असाइड वंस आई हैड बिगन इट ग्रिप्ड मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इंडिया से जुड़ता है इसका, तो ये डी है। अनटू दिस लास्ट आपको पता है जॉन रस्किन की थी, विक्टोरियन जो फिलोसफर थे और बड़े थिंकर, और महात्मा गांधी इससे प्रभावित थे, तो ये महात्मा गांधी ने ही लिया है, ऑथर इसके जो लिखा है महात्मा गांधी ने लिखा है, तो उसी बुक की बात कर रहे हैं। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट इज अ लिटरेरी रिव्यू पब्लिश्ड एज अ सप्लीमेंट टू द संडे टाइम्स ऑफ लंदन, ये जो है टाइम्स वाला ये आता है आपका वीकली, तो ये वीकली है। ही इज एन इंग्लिश असिस्टेंट क्रिटिक, जैसे आपने क्राइस्ट हॉस्पिटल का, कॉलरेज और उसके दोस्त का, तो चार्ल्स लैम अपने आप आपको दिखाई पड़ते हैं। और 99 है मेलाप्रोपिज्म, जैसे शेरिडॉन की आपके आ जाती है और स्कूल ऑफ स्कैंडल और ये सब आ जाते हैं याद, जो मेलाप्रोप लेडी मेलाप्रोप आ जाती है याद, ठीक है, तो ये आपकी जो है ऑब्वियसली ये जो आंसर बनता है ये बनता है बी, ब्रिंसले शेरिडॉन। हु फाउंडेड द ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप एंड बोस्टन प्ले राइट थिएटर, और ये आंसर बनता है डेरेक वेलकॉट, डेरेक वेलकॉट जो है
1992 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और जबरदस्त पोएट और जो है क्रिटिक रहे। तो ये है आपका भाई पूरा पेपर, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत हाई मेरिट जाएगी, 100% हाई मेरिट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी पेपर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए खैर आप लोगों ने सबने अपने अपने हिसाब से अच्छा किया होगा, और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और ये मैं आपके लिए लेके आया था, इससे पहले मैंने कहा कि आप सबको कुछ कंफ्यूजन हो लेके आए, जिसमें एक दो जगह मैंने कुछ 50-50% कहा है, या फिर मैंने कहा है कि कुछ चीजें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं उनको आप मिला सकते हैं, बाकी 100% करेक्ट आप समझे, उसके हिसाब से अपने मार्क्स समझ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और देखते रहेगा मेटामॉर्फोसिस, और जुड़ते रहें। एलटी का जो है क्रैश कोर्स जारी है, बहुत शानदार तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, और रोज जो है नई नई चीजें बताई जा रही हैं, और उसके अलावा कई कोर्स पाइपलाइन में एलटी का, और सबका पीडीएफ पैकेज भी मैं ला रहा हूँ, और ग्रामर का भी एक एक्स्ट्रा रेडीमेड कोर्स आ रहा है जिनको केवल ग्रामर चाहिए, और कुछ लोगों को केवल ग्रामर में ही दिक्कत होती है, वो सिर्फ ग्रामर का भी खरीद सकते हैं जो काफी कम रेट में। थैंक यू, मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, थैंक्स अ लॉट।